अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो पास्ट पेपर है क्लास सेवन्थ के मैथ का, न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक टू, उसका ऑब्जेक्टिव पार्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि 15 मार्क्स का है क्वेश्चन वन, एंड 25 मार्क्स का क्या है क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास टू है। तो क्वेश्चन नंबर जो टू है वो हम करेंगे व्हाइट बोर्ड पर, तो ये जो है हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं पेपर के ऊपर ही। अब कह रहे हैं इन सर्कल द राइट आंसर फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, व्हाट इज मैंडेटरी। बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो डी है एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या है कि एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, यानी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इसकी करेक्ट ऑप्शन ये है कि एक्स अगर जीरो कर दें ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब फाइंड क्या करेंगे, आपको पता ही नहीं है कि आपने फाइंड क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। तो नंबर ऑफ जो रूट्स होते हैं वो कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, टू होते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स हैं वो इसके हमारे पास कितने हैं, दो हैं। तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं। नेक्स्ट है जी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन ए बी इज कॉल्ड। वैसे तो आपकी बुक के हिसाब से देखा जाए तो उसमें उसने लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंट की तो ऑप्शन ही नहीं है, लिहाजा ए बी जो है हमारे पास इसके क्या होते हैं, फैक्टर्स कंसिडर होंगे। ठीक है, तो फैक्टर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो पार्ट डी है वो देखें। अच्छा, पार्ट डी में कह रहा है कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज द प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी कि ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, जिसमें ए इंटू बी प्लस सी इक्वल होता है ए बी प्लस बी। यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करो ए बी बन जाएगा, ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी बन जाएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इफ टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल दी ट्राइंगल इज कॉल्ड एस एस लेस ट्राइंगल। यानी ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको क्या कहते हैं, एस एस लेस ट्राइंगल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रिलेटर, कह रहे कि इनमें से कौन सी क्वाड्रिलेटर नहीं है। तो क्वाड्रिलेटर जो होती है वो क्या होती है, फोर साइडेड फिगर होती है। क्या होती है, फोर साइडेड फिगर होती है। इसलिए हमारे पास जो है ये स्केयर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ये चारों जो हैं फोर साइड होती हैं। ट्राइंगल जो होती है वो थ्री साइड फिगर होती है, इसलिए ये वाली ऑप्शन इसका आंसर जो है ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटर। अब देखो रेगुलर क्वाड्रिलेटर ये होती है जिसमें साइड्स और एंगल क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो वो क्या कहलाती है, रेगुलर क्वाड्रिलेटर। यानी एक ऐसी क्वाड्रिलेटर जिसमें जो साइड की लेंथ सारी तमाम साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं और तमाम एंगल इक्वल होते हैं। तो स्केयर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, वो 90 के होते हैं। चार 90 के एंगल होते हैं और साइड्स अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर की है तो सारी 4 की होंगी, एक 10 की है तो सारी 10 की होंगी। ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका पार्ट आ गया नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास एच है, ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज राइट एंगल। कह रहे कि हर जो एंगल है वो कितना होता है, राइट एंगल। राइट एंगल किसकी इक्वल होता है, 90 की इक्वल होता है। फिर एक्यूट कह रहे हैं जो जो क्या होता है, 90 से छोटा होता है, ऑब्ट्यूस 90 से बड़ा होता है। ठीक है, ये से स्ट्रेट एंगल कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे बनता है। तो राइट एंगल जी, स्क्वायर के चारों कोनों में राइट एंगल बनते हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक है। इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कह रहे हैं कि अगर एक्स और वाई दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो वो किसके इक्वल होते हैं। देखें हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते हैं जी मैं थोड़ा सा ऊपर, ये देखें एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे और कांस्टेंट लगा देंगे के वाई हो जाएगा। सही है, तो या आप चाहें तो इसकी जगह कांस्टेंट लिख लें, तो एक्स ये वाई इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और के हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। के हमारे पास क्या है जी, के हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसलिए हमारे पास ये वाला जो इसका ऑप्शन है वो ठीक है, यानी एक्स और वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसकी तरफ हम मूव करते हैं जी। पार्ट है हमारे पास इसका जे। अब देखें जे में इफ एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि एक्स और वाई दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर है, देन विच ऑफ द विच वन इज ट्रू। तो अगर एक्स और वाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उसमें हमारे पास एक्स वन अवर एक्स टू इज इक्वल टू वाई टू अवर वाई वन जो है हमारे पास इसकी करेक्ट आंसर इसका होता है, जब इन्वर्स प्रोपोर्शन में हमारे पास ये होते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है जी, जिसमें वो कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ अ स्केयर एंड इट्स साइड इज इन, कह रहे हैं कि नीदर डायरेक्ट नार इनवर्स कैन नॉट बी डिटरमिन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ऐसा नहीं होता, जो स्केयर होता है अगर स्केयर की साइड जो है बढ़ती जाएंगी तो पैरामीटर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। यानी कि अगर पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो अगर इसकी साइड्स को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पैरामीटर भी बढ़ता जाएगा। यानी आपके पास अगर फोर साइडेड फिगर है, हर साइड चार चार है, तो उसका पैरामीटर 16 आ जाएगा। अब मैं फोर के बजाय टू टू करता हूँ तो टोटल मेरे पास एट आ जाएगा उसका पैरामीटर। अगर सारी साइडें में एट एट कर देता हूँ तो टोटल मेरा पैरामीटर क्या हो जाएगा, 32 आ जाएगा। यानी मैं लेंथ बढ़ाऊँगा साइड की तो पैरामीटर भी बढ़ जाएगा, लेंथ कम करूँगा साइड की तो पैरामीटर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक वैल्यू बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ जाए वो डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है, और एक वैल्यू कम करने से दूसरी कम हो जाए वो भी डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है। इनवर्स वो होता है कि एक बढ़ाते हो दूसरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अब देखो ऑनेस्ट पर्सन, अब ये तो देखो सेट नहीं है ना, सेट फॉलोइंग सेट इज नॉट पॉसिबल, कह रहे सेट नॉट पॉसिबल। प्राइम नंबर अप टू 100 सेट हो सकता है, इवन नंबर अप टू 100 हो सकता है, लेटर फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल हो सकता है लेटर, लेकिन ऑनेस्ट पर्सन ये एक सेंटेंस की शक्ल में सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है, ये सेट नहीं है। नेक्स्ट इसका हमारे पास जो पार्ट है एम है, एम में कह रहे आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री में आ जाएगा, जो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इन दोनों को अगर अलग अलग जीरो की इक्वल पुट करता हूँ तो एक्स माइनस थ्री भी जीरो की इक्वल और एक्स प्लस थ्री भी इक्वल जीरो आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो ये क्या है नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव थ्री है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका ठीक था। अब हमारे पास कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव देन थ्री डैश ए, कि थ्री एक ए से का क्या मतलब है, थ्री कहेगा। अब देखो थ्री इज अ पार्ट ऑफ सेट ए, तो हम क्या कहेंगे ये वाला सी यानी बिलोंग टू, इधर क्या आ जाएगा, ये कह रहे इक्वल है, नॉट लेस देन है, डज नॉट बिलोंग टू है, या इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेट है, तो ये क्या है बिलोंग टू, इसलिए सी वाला ऑप्शन ठीक है। इसका मतलब है कि थ्री इस इधर जो ऐसे लिख देंगे जब, तो इसका मतलब थ्री इज अ पार्ट ऑफ सेट ए, थ्री बिलोंग्स टू ए, थ्री इज अ एलिमेंट ऑफ ए, इसलिए ये वाला आंसर इसका ठीक है। ओ जो है इसका लास्ट पार्ट है ओ, ओ में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिवर्सल सेट फॉर इंटीजर, कि यूनिवर्सल सेट जो होता है इंटीजर के लिए वो क्या होता है, तो तमाम नेचुरल नंबर जो होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के इंटीजर में शामिल होगा। यानी कि इसका ये आंसर ठीक है, होल नंबर में नहीं आएगा, रैशनल और प्राइम नंबर भी इसका आंसर नहीं है, बल्कि क्या है नेचुरल नंबर जो होंगे इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ इंटीजर होगा। तो इस तरह हमारे जो सारे के सारे पार्ट थे 15 वो हमने कर लिए। तो अभी हम चलते हैं वाइट बोर्ड पर, जहाँ पर हम जो क्वेश्चन नंबर टू है जो 25 मार्क्स का से सेक्शन है जैसे आप देख रहे होंगे, अब वो हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अभी चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो स्टूडेंट अभी हम आ चुके हैं बोर्ड पर, जो क्वेश्चन है हमारे पास टू है, वो हम कर चुके हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट था, इसी के ऑब्जेक्टिव पार्ट का क्वेश्चन नंबर टू जो है जो 25 मार्क्स का हम करेंगे। अब कह रहे सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस, यानी जितने भी कह रहे हैं क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है, और पार्ट ए है, एक में कह रहा है एक्सपेंड एंड सिंपलीफाई ईच सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन। अब उसे एक एक्सप्रेशन दे रहे कह रहे हैं सिंपलीफाई करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप क्या करें। अब देखें ये थ्री, जब थ्री एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स की पावर वन और एक्स की पावर वन, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी टू प्लस, अब इस थ्री को जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री टू से क्या हो जाएगा सिक्स, इधर x है इधर x नहीं है तो क्या होगा a की x आएगा। अब इसकी बारी है, x को x से मल्टीप्लाई करो, x और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें x को किससे मल्टीप्लाई करो माइनस थ्री एक्स, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस आपस में माइनस हो जाएंगे, तो जब x थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ कोई साइन जैसा होता है प्लस का साइन है, प्लस थ्री एक्स और माइनस, प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा x के, इसको मैं पहले लिख रहा हूं और प्लस 6x को मैं बाद में लिख रहा हूं। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना है कि इधर भी x है इधर भी x है तो एक x हम कॉमन ले लेंगे, तो इधर x 2 थी एक बाहर चला गया एक बच गया, यहां हमारे पास 6 है और x a ही था बाहर चला गया, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट a। लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट b।
ये पेपर है इंशाल्लाह, पेपर मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इफेक्टिव होने वाला है, प्रिपेयर करना है, इसे छोड़ना नहीं है, तो इंशाल्लाह इसमें से काफ़ी आपको सपोर्ट मिलेगी। बाकी आप समझदार हो, मुझे समझदार। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 15। अच्छा इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। इसकी जो स्टेटमेंट है कह रही है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, सारी चीजें जरूर इंग्लिश के लिए निकाल। अच्छा ये मिड टर्म ब्रेक है, मिड टर्म ब्रेक है। अब देखिए मिड टर्म ब्रेक करने का एक बहुत आसान सा हल होता है, वो ये होता है कि जो पहला नंबर है और जो तीसरा नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट निकालें। यानी एक्स स्क्वायर और 15 का मैं इस साइड पर ले लूँ तो प्रोडक्ट मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैंने दरमियान में ये जो 8 है इसकी जगह क्या करना है कि दो नंबर लिखने हैं ब्रेक करके, यानी 58 को मैंने ब्रेक करना है और दो ऐसे नंबर में लिखना है कि अगर उन्हें मैं उन दोनों का प्रोडक्ट निकालूं तो प्रोडक्ट 15 एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए। ठीक है, ये 2a या 2b का क्वेश्चन है, कितना आना चाहिए, 15 एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए, लेकिन उन्हें ऐड या सबट्रैक्ट करूं तो 58 आना चाहिए, यानी प्रोडक्ट उनका 15 आएगा और जो सम और डिफरेंस 8 आएगा। तो इसका बहुत आसान सा हल है कि वो दो नंबर कौन से हैं, जैसे मेरे पास देखिए 8 है ना, तो 8 को 6 और 2 में भी लिखा जा सकता है, 8 को 1 और 7 में भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसका बड़ा आसान सा ट्रिक है, यानी जो पहले और आखिरी का जो प्रोडक्ट आपने निकाला है ना उसके साथ जो कोफिशिएंट है ना उसका एलसीएम ले लें, इधर क्या ले लें, एलसीएम ले लें 15 का एलसीएम, ये 15 है, ठीक है 15, तो 3, 5, 7, 15 इन दोनों को अब अगर मल्टीप्लाई करो तो 3, 5, 7 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 और 5 में 8 हो जाएगा, यानी 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 3x-5x और प्लस 15 इस तरह। अब देखिए हमने किया क्या, हमने ये किया कि 8 को दो ऐसे फैक्टर ने, दो ऐसे वैल्यू में ब्रेक कर दिया कि उनको अगर सिंप्लीफाई करें, यानी ये दोनों के साथ जो साइन माइनस है तो डेफिनेटली ये दोनों मिलकर 8 बन जाए, और इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट निकालूँ तो माइनस माइनस प्लस 3, 5, 7, 15 एक्स और एक्स एक्स है, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है फर्स्ट कंडीशन। दूसरी जगह कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो यही चीज़ बनेगी, ठीक हो गया, समझ आ गया इस एक्सरसाइज में बड़ी इंजीनियर में समझाया हुआ है। एक्स कामन लेने के किस में से, इन दोनों में से एक्स कामन, एक्स कितने थे 2, एक एक्स बाहर चला गया तो क्या बच गया 1x माइनस 3, इसके साथ एक ही एक्स था वो तो बाहर चला गया तो सिर्फ क्या बच गया 3 माइनस। अब देखिए क्या आ गया 5 कामन लेने इसमें से एक्स। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब आप माइनस कामन ले तो ये वाला साइन हमेशा चेंज हो जाना चाहिए, माइनस प्लस माइनस 5 का टेबल 15 के 3 टाइम जाता है। अब देखेंगे इन टेकिंग कॉमन x माइनस 3, x माइनस 3 को कॉमन ले लो क्योंकि 2 टाइम है, देखिए x माइनस 3 इधर भी है, x माइनस 3 इधर भी है, दोनों x माइनस 3 को भूल जाओ, x माइनस 3 है ही नहीं, ये आप पूरे चेक कर सकते हो, अगर मेरे पास ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो फिर बच क्या है, बच ये x बच गया और x के साथ ये वाला माइनस 5 बच गया, दैट इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ, अगेन सी भी आई थिंक मिड टर्म ब्रेक है, यस। अच्छा बी के दो पार्ट है, सॉरी बी के दो पार्ट है, ये पार्ट 1 है बी का और बी का यही ये पार्ट 2 है, अगेन सेम मैथ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, इन दोनों को मैं प्रोडक्ट ले लूँ माइनस 90 एक्स स्क्वायर बनता है, यानी पहले और आखिर। अब दरमियान वाले नंबर को मैंने ऐसे दो नंबर में ब्रेक करके लिख देना है कि अगर उन्हें मैं ऐड या सबट्रैक्ट करूं तो प्लस एक्स होना चाहिए, लेकिन उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 90 एक्स स्क्वायर बनना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैंने आपको ट्रिक बताया कि जो आपके साथ प्रोडक्ट लेते हैं ना, प्रोडक्ट के साथ ये जो नंबर होता है ना साइन में देना, नंबर होता है ना कोएफिशिएंट जिसे कहते हैं वो आप ले और उसका एलसीएम 2 45 3 15 3 5 1 5 1। अब मेरे पास क्या फैक्टर है, 2 है 3 है 3 है और क्या है 5, 3 3 से क्या होगा 9, 5 2 से क्या होगा 10, 5 तो क्या होगा 10, 10 माइनस 9 क्या होगा 1 होगा। अब देखें तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मजीद के लिए मुझे एक्स के, अब इस जो एक्स है इसकी जगह मैं क्या लिखने जाऊँ 10x-9x क्यों, और ये माइनस 90 इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको प्लेस करने दो क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या है कि क्या होगा माइनस 90। अब मैंने क्या किया कि 10x में से 9x निकालूंगा तो 1x बचेगा और प्लस माइनस माइनस 10 9 90 x इनटू x x के, यानी कि जो प्रोडक्ट
पहले और आखिरी का आ रहा है वही प्रोडक्ट इन दोनों का आ रहा है, एक चीज। दूसरी चीज है सिंपलीफाई करता हूँ, 10 में से 9 निकालता हूँ तो x बचता है, इसका मतलब है कि मेरा जो दरमियान वाला नंबर है जिसको मैंने ब्रेक किया वो बिल्कुल ठीक है। अब मैं x का मान ले लूँ, x का मान होगा तो x प्लस 10 आ जाएगा, इधर से 9 का मान होगा तो x। अब ये साइन हमेशा देखते आते हैं, माइनस हो तो आगे आगे साइन चेंज होगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 9 10 जन 90 अगेन x plus 10, x plus 10 दो बार है, x plus 10 को एक बार लिख लेंगे, then हमारे पास क्या आएगा x minus 9 आ जाएगा और ये हमारे पास इसका क्या आएगा final answer। तो let's move towards part C। अच्छा part C में कह रहा है expand x minus 3 x minus 4, कह रहा है कि x minus 3 है और नहीं x minus 4 आया था शुरू पहला, हाँ yes x minus 4 है और दूसरा x minus 3 है, कह रहा है लोगों को expand करो। अब देखिए ये expansion थी expression था, उसको हमने क्या किया बंद कर दिया फैक्टरी शक्ल में दिया, तो अब इसने क्या कर दिया हमें फैक्टरी शक्ल में दे दिया, हमने इस शक्ल में लाना है, यानी कि ये यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है ऊपर वाले में ये आंसर है, इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो इस वाले में क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखिए वो हर तरह का कंसेप्ट आपसे जो कंसेप्ट है उसको टेस्ट करना चाह रहा है। x को x से मल्टीप्लाई किया x के, x को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x, 4 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 4x, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा प्लस, हो गया माइनस में प्लस, अब 4 को भी तो मल्टीप्लाई करना है ना 3 से, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, x के माइनस 7x प्लस 12। अगेन यहां पर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं कि माइनस 3 7 है 3 माइनस 4 को प्लस 7 लिख देते हैं, क्योंकि उनके जहन में होता है कि वो ये प्लस हो गया, ये बेशक हुआ तो प्लस है, यानी इसको आप इस तरह सेव रखें कि दो वैल्यू थी दोनों माइनस की थी, तो अलग अलग माइनस की वैल्यू को हमने एक बना के एक माइनस की वैल्यू लिख दी और साइन तो डेफिनेटली वो एक है, यानी आपके पॉकेट में 10 रुपीज है, आप है आपने 2 रुपए की एक चीज की और 4 रुपए की एक चीज की, तो टोटल आपने कितने खर्च कर दिए 6 रुपए खर्च कर दिए। अगर आपसे घर वाले पूछते हैं कि कितने पैसे लगता है तो आप कहेंगे 10 माइनस 2 माइनस 4 तो नहीं कह रहे, आप कहेंगे कि 10 वैसे मैंने 6 रुपीज लगा दिए और मेरे पास मुझे 4 रुपीज बच गए, तो यही से दोनों को इकट्ठा करके बताया, ऐसे माइनस 3 और माइनस 4 दो वैल्यू थी माइनस की मिलकर एक बार और हमारे पास क्या आ गई इसका आंसर आ गया। ये पार्ट सी भी हो गया। अच्छा पार्ट डी है जी, अब पार्ट डी जो है वो इसको जरा आप बता रहे हैं, क्योंकि पार्ट डी का कुछ लिखने वाला काम है वो आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा सारा क्वेश्चन उधर लिख कर। अच्छा तो स्टूडेंट हमारे पास जो पार्ट डी है डी में उसने एक स्टेटमेंट की शक्ल में क्वेश्चन दे दिया, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन है किस तरह से। कह रहे कि m is the set of months in a year, कि m जो है वो एक सेट है और क्या है years के जो मंथ होते हैं उन पर बेस कर रहा है, तो m is the set of months in a year, तो m को हमने क्या लिख दिया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, क्योंकि वो कह रहा था पहली चीज जो फाइंडिंग कह रहा था लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन सेट नोटेशन, एक चीज उसे ये पूछी थी, पहला कह रहा है कि m एक सेट है और उस सेट में ईयर के जो मंथ है वो है, वो अगली बात कहते हैं कि इसको सेट की नोटेशन में लिखें, तो ये देखो ये सेट नोटेशन होती है, सेट नोटेशन होती है जिसमें नहीं कि कॉमास यूज होते हैं और जितनी भी एंट्रीज होती है वो आपस में सेपरेट होती है, सेंटेंस की शक्ल में नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं होता, इसलिए हमने जो 12 मंथ थे ईयर के वो एम ने लिख दिए और उसको बता दिया कि भाई पहली जो चीज आप हमें कह रहे थे इसे सेट नोटेशन में लिखो, तो ये देखो हमने सेट नोटेशन में आपको लिख दिया। नंबर 2 में कह रहा है कि यूजिंग द नोटेशन belong to or does not belong to, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं या आप ये होता है इस तरह का ई सा होता है इसका, इसको पढ़ते हैं belong to or does not belong to, या आप इसको ये कह सकते हैं कि इस से इसका मतलब होता है part of a set or not part of a set, जो चीज़ आप समझें इन चीज़ों के कंसेप्ट समझते हैं, इसको मैं आगे जब इस्तेमाल करता हूँ तो आपको मजीद इसको क्लियर हो जाएगा। Describe whether each of the following is an element of or is not an element of M, is an element or is not an element of M, मैं नीचे इसमें कर दूँ इसका क्या मतलब है। अब देखो उसने मैं चार चार ऑप्शन दे दिए, ए दे दिया बी दे दिया सी एंड डी, अब वो क्या कह रहा है कि इज मंडे इज एन एलिमेंट ऑफ एम आर नॉट, तो हम लिख देंगे मंडे इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एम, इसका मतलब ये है कि जो मंडे है वो तो इस सेट में कहीं नजर आ ही नहीं रहा, मंडे तो नहीं है, मंडे तो डे नेम है एक दिन का,
ये तो नेम ऑफ डे डेज में से है, जबकि इस एम जो है उसमें नंबर ऑफ डेज नहीं है, यानी डेज के नेम नहीं है एम में। एम में तो मंथ जो है, ईयर के अंदर जो मंथ होते हैं उनके नेम है, यानी एम में जो ईयर के अंदर मंथ होते हैं उनका नाम दिए हुए, उनके नेम दिए हुए हैं, जबकि ये जो है ये तो वीक का एक एक डे जो है उसका नाम है मंडे। इसलिए इज नॉट एन एलिमेंट, मंडे इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एम, इसलिए हमने ये वाला सिंबल लगाया कि मंडे जो है इसमें सेट में कहीं नजर नहीं आ रहा। अप्रैल, अगेन अप्रैल हमारे पास है, हम क्या लिखेंगे, इज बिलोंग टू या इज एलिमेंट ऑफ एम, इसके साथ ये वाला साइन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि एम तो अप्रैल तो इसके अंदर है, सितंबर भी है, तो सितंबर में भी इज एन एलिमेंट ऑफ बी आर आर बिलोंग टू एम, यानी एम से तल्लुक रखता है सितंबर, सितंबर इज अ पार्ट ऑफ सेट एम। एंड अगेन फ्राइडे, फ्राइडे इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एम आर डज नॉट बिलोंग टू एम बिकॉज फ्राइडे इज नॉट रिटन इन द सेट ऑफ एम इन दीज कर्ली ब्रेसेस आर ब्रैकेट्स। आई होप यू गॉट इट, समझ आ गया। देखिए यहां पर अब पार्ट ई जो है उससे अगला पार्ट है, उसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के बता रहा है, इट इज गिवन दैट यू, कह रहा है, इट इज गिवन दैट यू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर बिटवीन 5 एंड 15 इंक्लूसिव, कि भाई ये यूनिवर्सल सेट है मैं यहां पर जिसमें 5 6 7 8 9 10 11 तमाम नंबर शामिल है। दूसरी बात कहते हैं कि b is equal to x such that x an even number, कि भाई जो b है वो हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो लाजिम बात है इसमें से इवन नंबर यहाँ लिखो, 5 ऑड है 6 इवन है, अगेन 7 ऑड है 8 इवन है, 10 इवन है, 12 इवन है एंड 14 इवन, ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ तक तो सेट की शक्ल में लिख दिया, अब कह रहे हैं कि वेन डायग्राम आपने ड्रा कर दिया, तो आपने बहुत आसान सा काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने ऐसे रेक्टेंगल सी बना ली है जो रिप्रेजेंट करेगी कि इसको यूनिवर्सल सेट को, उसके बारे में जो लिखो, एक देखो हमारे पास जो सेट है दूसरा बी है, बी को इसके अंदर कैसे करके बना के पूरे का पूरा बी इसके अंदर लिख दो, अब क्यों बी इसके अंदर लिखेंगे, उसकी एक रीजन है, उसकी एक वजह है, क्यों, बी इज अ सबसेट ऑफ यू, कि बी जो है वो ए का सबसेट है, यानी बी की तमाम एंट्रीज यू के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, देखो 6 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 8 भी एग्जिस्ट कर रहा है, 10 भी इसी के अंदर है, 12 भी इसी के अंदर है, 14 भी इसी के अंदर है, यानी ये सारे के सारे नंबर जो है यू के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए b is a part of u, u के अंदर से ही नंबर निकाल के b बना देंगे, तो इसलिए आपने वो तमाम नंबर जो b के साथ हैं वो आप लिखेंगे, देखिए 6 है, देन 8 है, 10 है, देखो 6 भी लिख दिया, 8 भी लिख दिया, 10 एंड 12 और 14, 12 लिख दिया एंड 14, अब आप क्या करें कि वो तमाम नंबर जो आपने वहां लिख दिए हैं उसके अलावा उनको छोड़ दें, यानी 6 को भी नहीं लिखेंगे, 8 10 12 14 ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट, वो यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखे गए हैं, क्योंकि ये जो 6 8 10 12 14 वो सेट के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये सेट इसके अंदर है, लाजिम बात है क्योंकि वो भी उसी के अंदर है, यानी वो थोड़ा बड़ा सा बर्तन है उसके अंदर एक चीज यानी है कोई लाइक लिक्विड है और बोतल में थोड़ा सा कोई दूध डाल के उसमें डाल दो, तो वो भी तो उसी के अंदर ऑलरेडी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या आ गया, 5 7 9 और नंबर सारे आ रहे हैं, 5 7 9 5 7 9 11 13 15 11 13 एंड 15, ये इसका वेन ये है जी वेन डायग्राम जो उसने कही थी, तो बेशक वीडियो को पास करें और इसका ले लें स्क्रीनशॉट ताकि हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। अच्छा, तो अब देखें हमारे पास एफ और ये पार्ट जी की, ठीक है, ये एफ और ये जी की, अब वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये वाली से फिगर दे दी और यहाँ तो सिर्फ एक्स दे दिया, कह रहे हैं एक्स फाइंड करो, लेकिन यहाँ उसे वाई भी दे दिया, लेकिन हमसे पूछ सिर्फ एक्स है, लेकिन मैं आपको एक्स और वाई दोनों फाइंड करके दिखाऊँ, हो सकता है यही क्वेश्चन दे दे और वो वाई कहें कि वाई फाइंड करो या एक्स और वाई दोनों फाइंड करो, इसलिए क्वेश्चन के अंदर उसे सिर्फ एक्स पूछोगे लेकिन मैं आपको दोनों फाइंड करके बताऊंगा। अब देखिए मैं सबसे पहले एक्स फाइंड करूँ, बहुत सिंपल सी बात है, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 60, x is equal to
y की वैल्यू अगर आपने फाइंड किया कैसे फाइंड करेंगे क्यों सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 सो द टू एंगल्स द सम ऑफ टू एंगल इज 110 व्हेन वी सबट्रैक्ट 180 फ्रॉम 110 फ्रॉम 180 देन वी गॉट द सेकंड द अननोन वैल्यू दैट इज y. अच्छा ओके अब हमारे पास जो पार्ट f की बात करते हैं जी g बात करते हैं अच्छा पार्ट g में कह रहा है x और y को फाइंड करें x एंड y को फाइंड करें मैंने डायरेक्ट पूरी स्टेटमेंट ही लिखी उसने लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉर्मूला अब उसे ये हमें एक डायग्राम दे दिए और x और y की बात करें फाइंड करें ये x है और ये y है x बहुत आसान सा है आप निकाल सकते हो बहुत इजी मेथड से कैसे मैं आपको x is equal to 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री x आप सोचोगे ये कैसे देखिए मैं आप इधर लिखूंगा y Apply EXT exterior angle theorem. आप सिर्फ इतनी सी बात लिख देना वहां पर इतनी सी बात लिख देना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का ये मतलब होता है मैं आपको बता दे दूं वो ये होता है कि जब दो इंटीरियर एंगल को आप ऐड करते हो दो इंटीरियर एंगल को आप ऐड करते हो तो उनका जो सम आता है वो उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आता है यानी कि आपका 50 और 30 दो इंटीरियर एंगल है इनका जो सम होगा वो इक्वल आएगा इन्हीं के अपोजिट एक एक्सटीरियर एंगल जो बाहर वाला एंगल है उसके आप हो सकता है आपके से मेरी बातों में ये भी तो इंटीरियर एंगल है तो ये भी ट्रायंगल के अंदर बन रहा है नहीं हम क्योंकि इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रायंगल एक्स इज एन एक्सटीरियर एंगल तो इस ट्रायंगल के हिसाब से ये वाला इसका एंगल जो है क्या है एक्सटीरियर एंगल कंसीडर होगा क्यों एक्सटीरियर होगा क्योंकि ये वाला इस ट्रायंगल के अंदर तो नहीं है ना इस ट्रायंगल के बाहर है इसलिए इस ट्रायंगल के हिसाब से x जो है एक्सटीरियर एंगल तो इसलिए आपका x जो है वो कितना हो जाएगा 80 डिग्री और एक दूसरा तरीका है अगर आप उस तरीके से निकालना चाहते हैं वो ये कैसे कर सकते हैं कि क्योंकि ये एक ट्रायंगल है आपके पास आप चाहे तो नाम दे दें हो सकते हैं उसे नाम दिए नहीं भी हम खुद दे दें ए बी सी डी हम नाम देते हैं तो इन ट्रायंगल ए बी डी टोटल जो तीन एंगल होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है 180 के तो 180 में से जो है ये दोनों आप क्या करें ऐड करके निकालें तो यहाँ इस साइड पे आपके पास जो एंगल है वो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा तो फिर 100 में 180 में से अगेन 100 निकालेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी तो x तो आपके पास ये वाला एंगल कितना आ गया 80 डिग्री आ गया ठीक है एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई अब हमने क्या निकालना है वाई अब वाई को निकालने का बहुत आसान सा है वो ये है कि हम पहले ये वाला एंगल निकालेंगे तो मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल बी सी डी तो जो एंगल मेरे पास बनेगा बी डी सी इक्वल कौन सा एंगल बी डी सी ये वाला एंगल इक्वल होगा 180 माइनस 80 प्लस 45 के क्योंकि इन तीन एंगल का सम किसकी इक्वल होता है 180 का तो क्योंकि मुझे दो एंगल दिए हुए हैं इन दो एंगल को का सम जो है मैं जब निकालूंगा 180 से जो पीछे बचेगा वो ये वाला एंगल होगा तो 180 माइनस 125 तो 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 तो बी डी सी मेरे पास 55 आ कैसे देखो 5 में 0 जमा किए 5 8 प्लस 4 12 तो 25 में 5 ऐड किए कितना होगा 30 30 में 50 ऐड किए 50 तो 180 तो ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया 55 आ गया अब देखिए ये जो एंगल ये पूरा एंगल है ना ये यहां से ऐसे
ये पूरा किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। यानी ये एक लाइन थी जिस पर एंगल कितना मान रहा था 180 को उसने एसएम में दो लाइनें यूं लगा दी, ठीक है, यूं लगा दिया तो कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3, ये वाला एंगल जो है ये कितना है, 50 है, ये वाला जो है ये वाला है 55, कह रहा है ये वाला हमें बता दो, तो कोई मसला नहीं जी, हम बता देते हैं आपको कितने है। y is equal to a, पूरा एंगल जो है ये पूरा एंगल कितना है 180, उसमें से ये जो दो पोर्शन है ये हम ऐड करके निकाल देते हैं, जो पीछे बचेगा वो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट होगा। तो y is equal to 180 - 105, तो y is equal to 75, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, यानी 5 + 0 = 5, 5 + 5 = 10, तो 180 में से 105 निकालेंगे तो 75, तो इस तरह हमारे पास ये हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो वीडियो को पास करके उतार ले, लास्ट पार्ट इसका रहेगा, मैं जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर देता। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, कौन सा पार्ट, पार्ट सब्जेक्टिव पार्ट, तब तक आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।